नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर कोई मेडिकल इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा नाम है डीके, मैं हूं एक रिसर्चिंग फार्मासिस्ट मुंबई। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ORS के बारे में। ORSL ये यूजुअली ओरल रिहाइड्रेशन सिस्टम है, ओरल रिहाइड्रेशन ड्रिंक है। तो ये हमें रोज़ पीना चाहिए या नहीं, ये हमारे लिए रोज़ पीने के लिए असरदार है या नहीं, या हमें इसे गर्मियों में रोज़ पीना चाहिए, ये हमारे बॉडी को नुकसान दे सकता है या क्या, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। कितना कारगर है और क्या इस्तेमाल है इसका, क्या यूजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करें तो ORS ऑलमोस्ट आज चार फ्लेवर्स में आते हैं, एप्पल, ऑरेंज, ग्रीन एप्पल और लेमन। और बेसिक इंग्रेडिएंट्स इनके यही रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं इसमें और विटामिन सी रहते हैं, पोटेशियम, आयोडीन और जो रहते हैं सोडियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। यूजुअली ORS जिस इंसान को लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं, तो उनमें ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी कम हो जाते हैं और उसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसीलिए उसे ORS दिया जाता है। लेकिन गर्मियाँ आते ही लोग ORS ऐसे ही पीते हैं, मज़े के लिए पीते हैं। इसे पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्या है इसके इफ़ेक्ट, क्या ज़्यादा पीने से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या है, टेस्ट में तो अच्छा है लेकिन क्या हमारे यूज़फुल है, एक हेल्दी पर्सन के लिए यूज़फुल है, अगर यूज़फुल है तो क्या यूज़फुल है, आइए समझते हैं। इंग्रीडियंट्स की बात की जाए तो एप्पल की बात की जाए तो प्योरीफाइड वाटर है, पानी है, शुगर है, डेक्सट्रोज है, सोडियम साइट्रेट है, विटामिन सी है। इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, एक पानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी में जल्दी जाते ही थोड़ी सी स्फूर्ति लाता है, थोड़ी सी एनर्जी लाता है, विटामिन सी थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं, बूस्ट देता है, एनर्जी देता है, तो अच्छा काम करता है ORSL अपने जगह पे। जो लोग सारा दिन धूप में ट्रैवल करते हैं, स्वेट जिनका ज़्यादा निकल जाता है, पसीना जिनका ज़्यादा निकल जाता है, पसीने में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को थोड़ी गिडीनेस लगती है, चक्कर जैसा लगता है, कमज़ोरी लगती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स को रीफिल करने का काम करती है ORSL। अब इसे रोज़ पीना चाहिए और कितना, अगर रोज़ पीना चाहिए तो कितना, एक लिमिट है कि नहीं। देखिए दोस्तों, एक हेल्दी इंसान है जो अच्छा प्रॉपर डाइट इंटेक कर रहा है और गर्मी में कम निकलता है या गर्मी में भी निकल रहा है, तो टाइम टू टाइम डाइट अच्छा इंटेक कर रहा है, तो उसे ORS की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें शुगर की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ORSL इस बेसिक सिर्फ शक्कर और नमक का पानी रहता है, तो बॉडी में ज़्यादा शुगर्स आ जाने से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और स्किन के लिए भी सही नहीं रहता है। ओवर शुगरी ड्रिंक्स जो रहते हैं, एक्ने कॉज कर सकता है, पिंपल्स कॉज कर सकता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ORS, क्योंकि पूरा शुगर से बना रहता है, इट इज़ कम्प्लीटली शुगरी, और प्लेन शुगर डलता है जो नॉर्मल शुगर, जो अच्छा नहीं रहता है बॉडी के लिए। लेकिन डेली यूजेज में इसे रिकमेंड नहीं है। जो भी लोग कमज़ोर हो जाते हैं या वीकनेस फील करते हैं या गिडीनेस फील करते हैं, चक्कर आता है, पेट में दर्द है, पेट की कुछ गड़बड़ी है, तो वो ORS ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी के डायरिया में भी बॉडी के सारा एनर्जी, बॉडी का सारा इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म हो जाता है, तो ORS उसको रीफिल करने का काम करता है। तो डेली पीना रिकमेंडेड नहीं है ORS, कुछ हद तक आप दिन में एक पी सकते हैं ताकि आपको थोड़ा विटामिन सी मिले और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बन जाए, लेकिन एक या दो से ज़्यादा रिकमेंड नहीं है, क्योंकि शुगर ही ड्रिंक है और कम्प्लीटली मेड ऑफ शुगर्स है और सॉल्ट है, तो आपको उतनी नीड, या एक नॉर्मल एक हेल्दी इंसान को उतने शुगर्स और उतनी सॉल्ट्स की नीड नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वो शुगर्स और सॉल्ट का लेवल अच्छा चलता है सॉरी लेकिन जिस इंसान की तबीयत ख़राब है, वो थोड़ा वीक फील कर रहा है, गिडी फील कर रहा है, तो उसे श्योरली ORS पीना चाहिए और अच्छा काम करता है, फिर से स्फूर्ति लाने का काम करता है, फिर से एनर्जी का काम करता है। स्पोर्ट्स प्लेइंग पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाहर खेलते हैं धूप में, जो बहुत ज़्यादा स्वेट कर लेते हैं, वो भी एक ORS पी सकते हैं दिन में एक या दो, मैक्स टू मैक्स दो, क्योंकि वो भी शुगर और सॉल्ट का लेवल फिर से लेवल आ जाता है, तो वो और आगे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। मतलब अगर दिन बहुत बड़ा है,
सुबह 12 से शाम को 6 बजे तक खेलना है तो बीच में 3 बजे एक ORS पी सकते हैं, तो ताकि 3 घंटा और निकल सकता है और बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर लेवल है वो बन जाता है। लेकिन इसे सब्स्टिट्यूट मत कीजिए, पानी की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिए। पानी आपको एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को 2.5 से 3 लीटर तक डालना ही है, पीना ही पड़ता है। इसको पानी की तरफ मत पीजिए, इसको जब आपको वीकनेस फील हो, जब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी लगे, जब आपको सुस्ती हो तभी पीजिए। ऐसे ही आप मज़े के लिए मत पीजिए, क्योंकि ये एक शुगर और सॉल्ट का ड्रिंक है जो सबको रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक लोग पी सकते हैं ताकि थोड़ी सी स्फूर्ति आ सके, और कुछ इसके इफ़ेक्ट नहीं है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ORS लोग डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल भी इससे दूर रहें, क्योंकि ये प्योरली शुगर ड्रिंक है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को इनसे स्ट्रिक्टली परहेज करना है, क्योंकि ये प्योर शुगर से बनता है जो डायरेक्ट ब्लड में जाके शुगर बनता है। और हद से ज़्यादा पीना भी इलेक्ट्रोलाइट्स सही नहीं है माना गया है, हद से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक ड्रिंक पीना सही नहीं माना गया है। आपको पेट की गड़बड़ी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और नौशिया थोड़ा चक्कर जैसा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो ओवर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं, लेकिन ओवर इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शक्कर और नमक का पानी कंटिन्यू पीते 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 इट इज़ नॉट हेल्दी, आपको और भी तबीयत आपकी और भी ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों मेरा रिव्यू, मेरा मानना यही रहेगा कि दिन में एक पीजिए, एक से ज़्यादा मत पीजिए, अगर आपको फिर भी अगर वो भी एक पीजिए अगर आपको बहुत वीक लगता है, अगर आपका सेडेंटरी वर्क है, बैठ के काम करने का काम है आपका, तो मत पीजिए, आपको नीड नहीं है, बॉडी ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का बैलेंस बना के चलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुक्रिया।